वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ में, इससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। रोटी खाएगा ना, जल्दी बता। तो सुबह मैंने बनाई थी छोले की सब्जी, तो छोले की सब्जी से हर्षित को खिला दिया खाना, क्योंकि वो दाल का पालक खाता नहीं है। अरे हाँ, दाल का पालक, पालक का दाल, यार आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे बारे में कंफ्यूज करते हो। अरे हेलो तो बोला नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू ब्लॉग्स। तो अभी रात के हो रहे हैं 10:30 और हर्षित को मैंने खाना खिला दिया है। ये है सुबह की छोले की सब्जी, तो इससे मैंने उसको खिला दिया, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ दाल का पालक और पालक का दाल, दाल का पालक, कंफ्यूज मत होइए, जो भी ये दोनों मिक्स ही है ना दोनों मिक्स ही है ना। तो अभी मेरा दूध भी गर्म हो रहा है हाथ की हाथ यहाँ पर, ये यहाँ पे, और अब मुझे दाल का तड़का भी लगाना है, दाल में, दाल की पालक में, पालक की दाल में, दाल के पालक में तड़का लगाना है, ठीक है। तो उसकी तैयारी कर रही हूँ, बस मैं हींग जीरे का लगाऊंगी। तो आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि है ना आप है ना लहसुन प्याज इसका यूज़ नहीं करते हो क्या, तो करती हूँ, जैसे है ना प्याज है, लहसुन है, ये मैं दाल के पालक में डाल सकती हूँ, लेकिन जो हींग जीरे का तड़के का छौंक है ना, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं सात्विक खाने की तरफ जाऊँ उतना अच्छा है, क्योंकि जैसा अन्न होता है ना वैसा ही मन होता है हमारा, क्योंकि है ना आपने देखा होगा कि है ना मंदिरों में खाना बनता है, तो वहाँ का खाना प्रसाद बन जाता है, क्योंकि वो भगवान की याद में बनता है। हम यहाँ पे घर पे खाना बनाते हैं, तो हम अगर जैसा खाना बनाएंगे ना वैसा ही इंसान का मन हो जाता है। अगर हम होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो वो पैसों की याद में बनता है, मतलब कि पैसों से ज़्यादा हम क्लोज हो जाते हैं, कि हमें पैसा 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 पसंद आता है, कि ना पैसों के ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, कि हम पैसे के पीछे भागते हैं, समझ रहे हो। और अगर हम यहाँ पे खाना बनाएंगे भगवान की याद में बनाएंगे, तो इंसान यानी फैमिली के मेम्बर्स में ना प्यार बढ़ता है। तो खाना हमेशा भगवान की याद में बनाएं और जितना हो सके सात्विक खाना बनाएं, ये समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ। ऐसी मैं ऐसे ऐसी बात नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ प्याज लहसुन, मैं खाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं खाऊँ। तो अब मैंने सुबह की सब्जी में ना प्याज डाली है, खाई भी है, लेकिन ना मैं कोशिश करती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ना प्याज लहसुन जैसी चीज़ें ना मैं कम ना यूज़ में लूँ। तो अभी ये आएंगे, मैं सोच रही हूँ कि मैं गरम गरम ही तड़का लगाऊँ, तो जिससे कि गरम गरम ही रहेगी, नहीं गरम अलग से करो फिर सब उसको डाल दो, और ना तो ये तो हो गया मेरा दूध, तो एक सेकेंड इसको खाली कर लूँ मैं ना, दूध गर्म करने के बाद में खाली कर लेती हूँ, मतलब उसी में नहीं रखती हूँ, उसी बर्तन में जिसमें गर्म करती हूँ ना उसी में नहीं रखती हूँ, खाली कर लेती हूँ। और अंदर हवा में पंखे में रख के आती हूँ मैं, फिर इस दूध को रख के आती हूँ, फिर उसके बारे में बात करती हूँ। तो ऐसे इस तरह से मैं खाली कर लेती हूँ, ये दूध मैंने खाली कर लिया है, तो और ये जो भगोनी है ना इसे मैं खाली कर लेती हूँ, तो मैं ये रख कर आती हूँ अंदर हवा में, फिर उसके बाद में बात करती हूँ। हाँ, तो मैं दूध को अंदर रखी हूँ जिससे कि वो ठंडा हो जाए, बच्चे खाना खा रहे हैं अंदर, और आटा मेरा लग गया है यहाँ पर, आटा ये लगा हुआ रखा है यहाँ पर, सब चीज़ तैयार है। ये मेरी दाल है जो मैंने बॉईल करके रखी हुई है, बस जब ये आएंगे तो मैं तड़का लगा दूँगी। तो बस मेरा सारा काम एक हो चुका है, बस इनके आने का मैं वेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आज मैंने पूरे दिन से व्लॉग बनाया ही नहीं है, तो आना आप लोग मेरी बातों से, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग मुझसे बातें करें, मतलब दुनिया में ना इतना गम है कि ना कोई ऐसा लगता है ना कि हम किसी के साथ शेयर कर लें तो वो गम जो होता है ना वो बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटो तो बढ़ती हैं और गम बांटो तो कम हो जाते हैं, तो मैं भी इस बात को समझती हूँ, और हमेशा है ना दूसरों के दुखों को है ना कम करने की कोशिश करनी चाहिए, खुशियों को बांटते रहना चाहिए।
तो मुझे एक ना कहानी याद आ रही है। एक बार क्या होता है कि एक ना स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर बच्चे बैठते हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे जो एक मैडम होती है वो आती है, टीचर मतलब, और वो सारे बच्चे को बोलती है गुड मॉर्निंग बच्चों, और लव यू ऑल बोला करती थी, मतलब प्यार बटा करती थी। लेकिन ये सच नहीं हुआ करता था, मतलब वो सारे बच्चों से इक्वल प्यार नहीं करती थी। एक था उस क्लास में लड़का जिसका नाम था राजू, तो वो बिल्कुल भी ना पढ़ने में होशियार नहीं था, चुपचाप बैठा रहता था। जब भी मैडम उसको आवाज़ देती राजू, तो वो ऐसे गुमसुम सी आंखों में, जैसे उसने कभी ध्यान वो उसका ध्यान ही नहीं था पढ़ाई में, इस तरह से खड़ा होता था। और बेकार से कपड़े, फैले से बाल, ऐसे ही आता था, मतलब बिल्कुल ही प्रॉपरली आता नहीं था। तो मतलब वो इक्वल प्यार नहीं करती थी, लेकिन बोलती थी लव यू ऑल। तो फिर उसके बाद में ना रिजल्ट का टाइम आया, एक जब उस टाइम पे तो उसने लिखा, लिखते ना कि इसकी क्या है, मतलब बच्चा पढ़ने में कैसा है और करेक्टर कैसा है और सब कुछ लिखते ना, तो सब कुछ बेकार। तो हेडमास्टर को दिखाई जब रिपोर्ट, तो हेडमास्टर ने बोला कि सब कुछ बेकार क्यों लिख दिया, अच्छा क्यों नहीं लिखा। और इसमें अच्छा लिखने लायक कुछ है होगा तभी तो मैं लिखूंगी ना, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, जैसा है वैसा लिखा है मैंने। तो हेडमास्टर ने, वो चली गई। फिर हेडमास्टर ने 3-4 साल पहले की रिपोर्ट निकाली, मतलब कि वो 5th क्लास में था ना, तो 4थी क्लास की, 3री क्लास की रिपोर्ट निकाली। तो 3री क्लास में लिखा हुआ था कि रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि राजू की मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हालत बहुत ख़राब है। फिर 4थी क्लास की रिपोर्ट में लिखा था कि बच्चे को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि माँ के चले जाने के बाद में, गुजर जाने के बाद में, अब बच्चे की मेंटेलिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर बच्चे को पढ़ाई में ध्यान दिलवाना है तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को लिख के देते ना नोटिस, तो वो ऐसे लिखा गया था। तो जब टीचर ने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, 5वीं क्लास का बच्चा और बहुत छोटा बच्चा होता है, तो जब आज जब मैडम टीचर उस क्लास में गई ना, तो उसकी आंखों में ना राजू के लिए सबसे ज़्यादा प्यार था। एक मतलब एक अलग ही फीलिंग थी, प्यार था बहुत ज़्यादा। और जब वो क्लास में गुजर आई और उसने सब बच्चों से बोला गुड मॉर्निंग बच्चों, लव यू ऑल, तो इस बार ना सारे बच्चों से ज़्यादा उसको मतलब प्यार है। आज भी इक्वल प्यार नहीं था, आज भी इक्वल प्यार नहीं था, मतलब सारे बच्चों के लिए प्यार था, लेकिन राजू के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार था। तो बंजू बंद कर, बंद बंद बंद। तो आज कुछ अलग प्यार था, कुछ ज्यादा प्यार था। तो आज उसने ना जब क्वेश्चन किया राजू से और आज उसने जवाब नहीं दिया, तो उसने राजू को बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाया और उसको समझाया क्वेश्चन का आंसर। आज उसका रवैया थोड़ा चेंज था टीचर का, आप देखिए, बच्चे को बुलाया, उसको समझाया क्वेश्चन का आंसर, और उसको जबरदस्ती कहा कि बेटा तुम बोलो, जो मैंने तुम्हें समझाया वो बोलो। उसने कोशिश की, बोला, और वो धीरे धीरे ये रूटीन बन गया, मैडम उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगी। और उसका 5वीं का जो रिजल्ट था ना, आई, हाँ बेटा, कहाँ लिया? मैं वीडियो बना रही हूँ, देखिए स्टोरी सुना रही हूँ, कहानी कहानी सुना रही हूँ, देख सारी सुनाऊंगा कहानी। कहानी सुनाओगे? सुना दो, अच्छी सी कहानी सुना ना, ऊंची वाली वो सुना दो। एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सुना दे जल्दी से मेरे को बोलते कहानी सुना दो, अब मैं कहानी में बोलती एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ताई ऐसी सुनाती है मैं कहानी। ताई कैसी है, चल जल्दी से बता दे। अच्छी। हाँ अच्छी है। देख पीछे भैया क्या कर रहा है, देख, ए पागल है ना भैया, कैसे उधर मचा रहा है, कहाँ गया था? है कहाँ गए थे आप बताओ जल्दी से। नीचे था। नहीं अभी आप कहाँ गए थे, थोड़े दिन पहले यहाँ पर नहीं थे, सब लोग ना इतना याद कर रहे थे आपको, बोल रहे थे वंश कहाँ गया, आप कहाँ गए थे? नानी की गए था। नानी की गए थे, क्यों क्यों गए थे नानी के? अच्छा किस में बैठ? हाँ तो मैं कहाँ तक थी, स्टोरी सुना रही थी ना, बहुत ही प्यारी स्टोरी लगी थी मुझे जो मैंने ही पढ़ी थी। तो वो बच्चे को अच्छी वाली उठली चलाओ, अच्छी वाली सुना रही हूँ मैं बता रही हूँ कि प्यार बांटो सबको, प्यार करो ऐसे ऐसे, है ना, प्यार करते हो आप, सबको प्यार करते हो? हाँ मेरे को नहीं करते हैं, मेरे को तो किया ही नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं करा था, लेकिन एक गाल पे नहीं करते, अरे टच नहीं हुआ। अरे मेरा पेटू। अब मैं स्टोरी सुना लूँ पूरी, कंप्लीट कर लूँ,
बोलो नहीं, मुंह पे उंगली कर लो। मुंह पे उंगली। स्टोरी सुन ले, फिर ना रात को भी मत बोलना कि स्टोरी सुनाओ, ठीक है ना, रात को मत बोलना। तो वो रोज ऐसे करने लग गई। अब उसकी जो प्यार दिया ना उस बच्चे को, तो उस प्यार की वजह से उसका जो मेंटेलिटी थी, उसकी जो अंदर से जो सारी उसका दर्द था ना, वो धीरे धीरे दूर होने लगा, वो खुलने लगा। उसका जो रिजल्ट है ना, वो इतना अच्छा रिजल्ट आया। और जब रिजल्ट आया उसके बाद में सभी बच्चे अपने टीचर के लिए गिफ्ट लेके आए, और वो बच्चा जो गिफ्ट लेके आया था ना, एक बेकार से पुराने से अखबार के अंदर लपेट के और गिफ्ट लेके आया। सब समझ गए कि ये गिफ्ट उसी का ही होगा, राजू का, क्योंकि ऐसा गंदा सा गिफ्ट वो ही ला सकता है। मैडम ने सबसे पहले उसी गिफ्ट को खोला, क्योंकि आज मैडम उससे बहुत प्यार करने लग गई थी। तो गिफ्ट खोला तो उसके अंदर एक चूड़ी थी, एक कड़ा था जिसके बहुत सारे नग निकले हुए थे, और एक इत्र की शीशी थी जो कि आधी से भी ज़्यादा खाली थी। तो उसने जल्दी से उस कड़े को पहन लिया, और वो इत्र था ना वो भी लगा लिया। वो कड़ा उसकी मम्मी का था, और वो जो इत्र था ना वो उसकी मम्मी लगाया करती थी। आज उसको बच्चे को मतलब अब ये हो गया। फिर उसके बाद में बच्चा पढ़ने में ध्यान देने लगा, आगे बढ़ा। अब वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। आज उसकी शादी का टाइम था, उसने अपने टीचर को टिकट भेजी। वो हमेशा बात किया करता था फ़ोन पे, स्कूल से निकलने के बाद में भी उसने अपनी मैडम से बात करना नहीं छोड़ा था। और हाँ, कीटाणु मत फैला मेरे पर, हो गया। कितना डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग मेरे को। आई मत कर, जुकाम हो गया है। हाँ, तो आज जब उसकी शादी का टाइम था ना, तो शादी के टाइम में वो मंडप पे बैठ नहीं रहा था अपनी मैडम के टीचर के बिना। जब उसकी टीचर आई तब वो मंडप पे बैठा, और सब जब उसने सबसे इंट्रोड्यूस कराया कि आप सब मेरी मम्मी से मिलना चाहते थे ना, तो मिलिए, ये है मेरी मम्मी और जिन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया। तो मतलब कि एक बच्चे को उस मैम ने प्यार दिया, तो उस बच्चे की आज जिंदगी संवर गई। आज वो बच्चा इतना बड़ा इंसान बन गया, आदमी बन गया। मतलब जो प्यार होता है ना, अब मैडम ने कुछ ऐसा तो नहीं किया कि पैसे खर्च किए हैं। हम तन से सेवा नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, लेकिन मन से तो कर सकते हैं ना। हम तीन तरह से सेवा कर सकते हैं, तन से, मन से या धन से। तो अगर हम धन से नहीं कर सकते ना, तो मन से या तन से तो कर सकते हैं ना। हमें करनी चाहिए, ये सेवा भी सेवा ही होती है, है ना, है ना। ये भी करता है, ये तो इतनी सेवा करता है, बस पूछो ही मत। आकर के चद्दर वद्दर सब खराब करके इतनी सेवा करता है अपनी ताई की। भैया क्या कर रहा है, भैया क्या कर रहा है, देखिए आप कर ले। जा भैया के साथ खेल लो। तो स्टोरी ख़त्म हुई। मैं बस ये बताना चाहती थी कि प्यार देना चाहिए। ऐसे ही अगर हमें मिलता है ना मौका किसी की मदद करने का, तो वो मदद करने का मौका भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि ये आने वाले मैं है ना तड़का लगा ही देती हूँ दाल के अंदर। आई थिंक अभी आने वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर आते ही इनका लगता है इनको भूख लगने लगती है ज़ोर से। वैसे तो मुझे लग रहा नहीं है आज इनको भूख होगी ज़्यादा, शाम के टाइम ही खाना खाया है इनने। तो मैं घी के अंदर तड़का लगाऊंगी, देसी घी के अंदर, और हींग जीरे का लगाऊंगी, और हींग है ना थोड़ी ज़्यादा सी डालूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कभी करके देखना। और हाँ, आप मेरे पास कमेंट आया था कि ना आपके यहाँ गाय नहीं आती है, तो आप क्या करते। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि गाय नहीं आती होगी, और हो ही जाता है ऐसा। तो मैं क्या करती हूँ कि हर्षित स्कूल जाता है ना, उस टाइम पर मैं उसको वो रोटियाँ दे देती हूँ गाय की, और वो ले जाता है। अब जैसे तीन चार दिन की उसकी छुट्टी है, अब तीन चार दिन की रोटी इकट्ठी हो जाएगी, हो रही है इकट्ठी। और अगर मैं ना लहसुन प्याज के तड़का लगाऊंगी सब्जी में, तो फिर मैं उसका भोग नहीं लगा पाऊंगी। तो जब मैं सब्जी नहीं होती है तो मैं थोड़ी सी चीनी रख देती हूँ, और मैं चीनी लगा दूंगी ना तो फिर चींटियाँ हो जाएंगी। तो इस सबसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं ऐसी सब्जी बनाऊँ जिसका तड़का लगा सकूँ। जैसे आज मैंने ना छोले बना लिए, और अब है ना चीनी का भोग लगाना पड़ा मुझे। तो मैं लगा रही हूँ तड़का। भैया तड़का लगा रहे हम, वही हमारा नॉर्मल सा तड़का।
वंशु क्या कर रहा है? नहीं। लग जाएगी प्यास की, सामान मत छेड़ पापा का। काम कर लाओ बस। काम कर लाओ नहीं, हट जा वहां से। तो तड़का मैंने लगा लिया है हींग जीरे का, और मैं दिखेगा नहीं ऐसे यार, पर दिख गया होगा आपको। तो मेरा तड़का लग गया है और इसको मैंने बस रख दिया है यहाँ पर। तो पता है इनको हींग जीरे का तड़का लगता है ना, ऐसे खिचड़ी में हींग जीरा और मिर्ची का तड़का लगता है, इनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे दाल के अंदर। तो आप मुझसे बोल रहे थे, एक दिन कमेंट आया था कि मुझे, मैं कमेंट सबकी पढ़ती हूँ, मुझे याद भी रहते हैं, और अब वही है कि मौका मिले तो ही उसी हिसाब से, तो कि दही कैसे जमाते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं दही कैसे जमाती हूँ। एक्चुअली आज सुबह इन्होंने दूध नहीं लिया था ना, दूध पिया था क्या? हाँ दूध पिया था, तो थोड़ा दूध बचा है फिर भी, तो मैं उसका दही जमाऊंगी। और मैं दही कैसे जमाती हूँ वो आपको बताऊंगी। बेटा हट जा, पानी निकल लगी हो ना। नीचे जाना है, नीचे जाना है। हर्षित इसको नीचे करिए बेटा। तो दूध को थोड़ा हल्का सा गर्म करूंगी, ज्यादा नहीं, निभाया सा गर्म करूंगी। हो रहा है वो, यहाँ पे हो रहा है। जिस भगोनी में मैंने दूध गर्म किया था ना, तो वो भगोनी के अंदर ही मैं दूध गर्म कर लूंगी। जितने कम बर्तन हो उतना ही अच्छा है। और ये मेरे पास थोड़ा सा दही रखा हुआ है, इस दही से जमाऊंगी मैं, इसमें से 2-3 चम्मच लूंगी बस, मैं जम जाएगा। इतना सा दही बहुत है, इससे भी कम में भी जम जाता है, लेकिन मैं इतना ले लिया है। और ये गर्म होता हुआ मैं देख लूंगी कि कितना गर्म करना है, निभाया करना है, मुझे ज़्यादा गर्म नहीं करना है एक्चुअली। इसको इसके साथ में मैं अच्छे से फेंट लूंगी। और बस इसका ढक्कन लगा करके इसे ही बाहर।
तो हल्का सा निभाया गरम कर लेने के बाद में इसे दही के साथ में फेंट लूँगी। तो मैं फीका ही जमाती हूँ क्योंकि मुझे है ना वो बनाना होता है रायता, क्योंकि हर्षित रायता खाता है और उसके पापा भी रायता ही खाते हैं। लेकिन अगर आप रायता नहीं खाते हैं, मीठा दही खाते हैं, तो आप इसके अंदर चीनी और इलायची डालकर भी जमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप ऐसे भी जमा सकते हैं, अगर आप जल्दी दही जमाना चाहते हैं ना सर्दी में, तो ऐसे करके और आप धूप में रख आइए, आपका दही एक घंटे के अंदर ही जम जाएगा। लेकिन अब रात में तो खा, और मैं हमेशा रात को ही जमाती हूँ और फिर सुबह फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये दही जो है वो जम गया है, बस इसे मैं ढक करके और रख दूँगी रात भर के लिए, कल लगा करके। और इसे अब मैं यहीं पर ही रात भर यहीं छोड़ दूँगी, और जब मैं सुबह उठ करके नहा धो करके आऊँगी ना किचन में, उस टाइम पर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा जम जाता है दही, ऐसे बाजार जैसा ही जम जाता है, बिल्कुल कि बाजार से ही लाए। तो इसको मैंने अब साइड से रख दिया है, और जो ये दही है इसे मैं उठा के रख देती हूँ, क्योंकि दाल का पालक है इनका फेवरेट, इनको दही की आज जरूरत नहीं है। जब और चटनी भी रखी हुई है इनकी, मैंने कल पीसी थी, कल और ले आए थे ये धनिया टमाटर और ये सब कुछ, तो मैं धनिया की चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि है ना इनको चटनी बहुत पसंद है। मतलब ये एकदम जो वो होता है ना धरती से जुड़े हुए ऐसे इंसान हैं ये, मतलब इनका हाई फाई ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई ऐसे पिज्जा और ये सब चीज़ चाहिए, इन्हें चाहिए चटनी, दाल का पालक, पालक का दाल, दाल का पालक ये चाहिए, और हींग जीरे का तड़का ऐसा चाहिए इन्हें। तो इन चीज़ों में अच्छा है ये, और मैं इनको कह देती हूँ कि ना आपको जो सब्जी खानी है ना वो सब्जी ले आओ, मेरा तो यह है कि जो भी सब्जी बनेगी खाई लेंगे। और सुबह की ये छोले की सब्जी भी रखी हुई है, दाल का पालक हो गया, चटनी हो गई, बस बहुत है और क्या। रात में अभी तक आए नहीं है, कितने बज गए जी, कितने बज गए टाइम देख के बता बेटा, 11 बज गए, 11:06 हो गए, 11:06 हो रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। चल तू तो सो अपने, आएंगे आ रहे हैं धीरे धीरे आएंगे, वो दुकान बड़ा बड़ू के वो देख आ गए, नाम लिया शैतान का, शैतान हाजिर। देखने आए क्या कर रही है, हैं? देखने आए हो क्या कर रही है, उल्टे सीधे, उल्टे सीधे से क्या मतलब है ये बताओ, रोटी जला रही हो? अरे अब सोचती तो यही हूँ जली रोटी खिलाऊ, कहाँ से ला मैं छोड़ जाऊंगा, कहाँ से लाए हो, मेला में से, मेले में से लाई है, आप तो बताओ कैसा गया दिन, हैं? कैसा गया दिन? आज तो कोई स्पेशल दिन था क्या? हैं? आज क्या कोई स्पेशल दिन था क्या? हो क्या पता? ये सुबह की छोले की सब्जी, ये रायता, और ये दाल का पालक, ये रोटी, और ये पानी, पानी सब्जी दिखा दी। तो मैंने आपको थाली दिखा दी है कि मैंने क्या क्या रखा है थाली में, और बस मैं गरम गरम रोटियां सेकती जा रही हूँ और ये खाते जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं कि मैं सेक कर रख देती हूँ और फिर बैठ के साथ में खा रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सेकती हूँ गरम गरम और वो गरम गरम ही खाते हैं। तो इस तरह से मैं रोटियां बनाती हूँ रात के टाइम में। सो अब हो गया है स्लीपिंग टाइम, और रात के 12 या 12:30 बज चुके हैं। तो बस मैं इन
पूरी किचन को समेट कर फिर ही सोती हूँ। सिंक में एक भी बर्तन झूठा नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि साइंटिफिकली भी और वास्तु के अकॉर्डिंग भी रात में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन धो के मैंने रख दिए हैं, लेकिन पोंछ के नहीं रखे हैं क्योंकि गीले हैं, निचुड़ जाएंगे, उसके बाद में ही रखूँगी। तो सुबह रख दूँगी। गैस स्टोव मेरा देख सकते हो साफ़ है, पूरी स्लैब मेरी साफ़ है। और यहाँ पे बस एक टिफ़िन रखा है जिसके अंदर मैंने दही जमाया था, और यहाँ पर मैंने इनका दूध रख दिया है, चीनी वगैरह सब मिला दी है। और ये सोते हैं उस टाइम पर पीते हैं, तो अगर गर्म रहता है तो ऐसे ही पी लेते हैं, और अगर ठंडा हो जाता है तो वो गर्म कर लेते हैं। इसलिए पास में मैंने फ्राई पैन भी रख दिया है। और आप देख सकते हो पूरी किचन मेरी इसी तरह से रहती है, डेली रात में मैं इसी तरह से रख करके समेट कर फिर ही सोती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो ये वीडियो है वो भी मैं एंड करती हूँ। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे मिल सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं कमेंट। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय माता दी।